ପଢଉଛି ହେବେ। हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो डे नंबर सिक्स आज आम स्टार्ट करवा विदाउट किसी भी आम टाइम आम वेस्ट कर डे नंबर सिक्स को आरंभ करवा। चलो क्वेश्चन नंबर वन को जीवा डायरेक्ट। देख क्वेश्चन नंबर वन मो पाखे कौन था क्वेश्चन नंबर वन मत कौन ना ए एंड सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए आउ सी मोर काम केते दिन कंप्लीट कर सर 20 दिन कंप्लीट कर जोटी की बी आउ सी दिजन जाक मिसिकी काम केते दिन कर सर बी आउ सी मिसी मोर काम को 24 दिन में कंप्लीट कर। Find the time taken by A alone to complete the work if B completed the work alone in 40 days. जदि B मोर एकुटिया कौन करछ ना सर 40 दिन काम शेष करछ। अच्छा तो कहते टाइम रो रेशियो मो पाखरे केते होछ ना सर टाइम रो रेशियो जदि हम बाहर करबा 4 रे कैंसिल करले 5 4 रे कैंसिल करले 6 4 रे कैंसिल करले 10 आम जानते जो सेम काम हमर कंप्लीट होछ दैट मींस टाइम रो रेशियो कौन हो जइबो ना सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कहा सहित ना सर हमर एफिशिएंसी रेशियो सहित। तो एठी एफिशिएंसी रेशियो ए आउ सी रो केते आसीबो कोना सर 60 एठी केते आसीबो कोना सर 50 एठी मो पाखे केते आसबे ना सर 30 त माने एफिशिएंसी रेशियो मो पाखे केते गलो को 6 5 3 बी रे एफिशिएंसी जदी 3 त सी रे एफिशिएंसी केते आसबे को ना सर 2 आसबे ए रे एफिशिएंसी केते आसबे ना सर 4 आसबे। क्वेश्चन पचार थला कोन ना सर ए एकुटिया काम के दिन शेष करबो टोटल काम देखलो बी रे एफिशिएंसी 3 अछि 40 दिन नउथला दैट मींस टोटल काम केते गलो 40 * 3 डिवाइडेड बाय ए रे गोटे दिन रा काम केते थला ना सर 4 यूनिट त 4 रे कैंसिल करले केते आसबे ना सर 10 तो टोटल वैल्यू केते आसला ना सर 30 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर क्वेश्चन नंबर वन जीवा क्वेश्चन नंबर टू को वर्तमान देख क्वेश्चन नंबर टू द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट ए इज 6 किलोमीटर पर आवर दैट मींस डाउनस्ट्रीम माने एक्स प्लस वाई रा वैल्यू केते दिछ मते ना सर 6 किलोमीटर पर आवर दिछ व्हिच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द बोट बी दैट मींस एटी बोट बी गोटे अछि स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टील वाटर दैट मींस एक्स रा वैल्यू एठी केते अछि मो पगर को ना सर 6 किलोमीटर पर आवर। देन तपर दला बोट बी टेक्स 4.5 आवर टू कवर 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर जाय पई जदि 4.5 आवर लागुची तो वर्तमान मते कह तार स्पीड केते थला 4 किलोमीटर पर आवर कोथरे ना सर अपस्ट्रीम रे दैट मींस सर एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई रा वैल्यू केते दिछ मते ना सर 4 दिछ तो मते एटा सिंपल गोटे जिनस को वर्तमान एठी वाई रा वैल्यू केते आसबे ना सर जदि एक्स रा वैल्यू 6 अछि तो वाई रा वैल्यू केते आसबे मो पखर ना सर 2 आसिबो। अच्छा आगु बढ़िबा फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट ए इन स्टील वाटर अच्छा कह वाई रैल्यू स्ट्रीम रीड एट भी दुई दैट मीन एट भी दुई आसो तो एक्स रैल्यू के कौन सर 4 दैट मीन ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। होप कि क्वेश्चन नंबर टू भी क्लियर हो सारी बढ़िया भाव नेक्स्ट क्वेश्चन को देख क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री देला ए मैन कवर्ड हिज जर्नी इन थ्री पार्ट्स 25% ऑफ द जर्नी ही ट्रैवल विथ 50 किलोमीटर पर आवर 60% ऑफ द रिमेनिंग जर्नी विथ 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी इन 40 किलोमीटर पर आवर फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम इज 400 किलोमीटर जदि टोटल 400 किलोमीटर 25% माने 100 किलोमीटर केते स्पीड जायतला कोना सर 50 स्पीड रे तो एठी 2 घंटा लागिथिबो तापर कोन दला ना सर रिमेनिंग रिमेनिंग केतो रहला 400 रो 100 गला दैट मींस मो पकर बाकी होची 300 300 रो 60% दैट मींस सर 180 किलोमीटर केते स्पीड जायछ 60 स्पीड रे तो टाइम केते लागिथिबो कोना सर 3 घंटा बाकी रहला मो पाखरे केते ना सर 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर को स्पीड जाय छी कोना सर 40 स्पीड रे तो टोटल टाइम मते केते लागि दबो कोना सर अगेन 3 घंटा तो 3 3 6 2 8 तो टोटल जर्नी केते घंटा रे कंप्लीट हितो ना सर ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर 8 घंटा रे कंप्लीट। क्लियर बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 4 द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सम ऑफ रुपीस एक्स फॉर 2 इयर इज 12% पर एनम इज रुपीस 3000 जदि 2 वर्ष रो सिंपल इंटरेस्ट 3000 तो वर्ष को केते आसे 1500 टका। अच्छा 1500 टका वर्ष को मो पाखरे इंटरेस्ट अछि 12% प्रिंसिपल उपर तो प्रिंसिपल रा वैल्यू केते हिजबो को ना सर 100 डिवाइडेड बाय 12 देन क्वेश्चन देला कोन क्वेश्चन इज कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इफ रुपीस एक्स इज लेंड फॉर 2 इयर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली 10% 2 वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट केते मिलबो मते कोन सर 21% अच्छा देखला बार बार रे जदि कैंसिल करे प्रथमे परसेंटेज को परसेंटेज कैंसिल कर दियो 4 रे कैंसिल करले 3 सर 4 रे कैंसिल करले ये 25 आसीबो 3 रे कैंसिल करले 5 तो 125 * 21 मो पकर रहबो तो 125 * 21 21 5 जर केते आसीबो 105 10 केरे नेले 21 2 जर केते आसला 42 देन ये 52 हे गला 21 1 जर 21 ये 5 मिसि गला केते हिजबो ना सर 2625 ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। होप 3 नंबर क्वेश्चन भी पूरा क्लियर थियो सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर थियो आगो बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 देखा क्वेश्चन नंबर 5 देला शुभम परचेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज एक्स
देन ही सोल्ड इट एट 15% प्रॉफिट। अच्छा एक्स रे किनिथला केतर सोल्ड करजी को ना सर 15% प्रॉफिट रे सोल्ड करजी दैट मींस 23 डिवाइडेड बाय 20 फ्रॉम हिज फ्रॉम द मनी ही गॉट परचेस अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट फॉर 1140 एट अ लॉस ऑफ 25% त माने ए मनी रे वर्तमान गोटे जिंस किनिला आ 25% लॉस रे बिकला दैट मींस केतर बिकची 3/4 रे वैल्यू केतर दिथला मते 1140। अच्छा तीन रे कैंसिल कले केते आसीबो 3 × 9 = 220 3 × 18 = 324 23 रे कैंसिल कले केते दबो कोना सर 23 × 23 = 23 क्लियर हे गला। त एबे वर्तमान मते को x रे वैल्यू केते हिजो ना सर 80 × 16 दैट मींस 1280 ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 6 monthly income of A is 8000 and he saves 40% of his monthly income ta mane jodi mu A ra income ko 100 boli dharu chi income ta mate ko save kete koruchi na sir 40% to expenditure kete dibo ko na sir 60 agu bodiba then ta pare question dala kon if the monthly expenditure of A is decreased by 20% jodi amar decrease 25% houchi to 60 ra 25% mane kete 1/4 mane decrease kete gela 15 to value kete asibo ko na sir 45 एंड कौन दीजिए मतलब ना सर सेविंग्स इज इंक्रीज्ड बाय 25% जदि सेविंग्स को मु 25% इंक्रीज करूची तो 40 रो 25% माने 10 दैट मींस 10 इंक्रीज करले केते आसे वैल्यू 50 तो नुआ इनकम केते गला 95 तो इनकम रो डिक्रीज केते आसी को ना सर 5% डिक्रीज। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बढ़ियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देखा क्वेश्चन नंबर 7 A and B enter into business investing rupees केते दे छि मतना सर investing rupees 1800 और B केते invest कर छि को ना सर 1500। क्लियर हो छि। देन देबर क्वेश्चन देला कोन रेस्पेक्टिवली एंड रेशियो ऑफ द टाइम फॉर व्हिच दे मेड देयर इन्वेस्टमेंट इज 3:2 त माने ये 3 रेशियो रे इन्वेस्ट कर छि 2 रेशियो रे इन्वेस्ट कर छि। एबे वर्तमान क्वेश्चन देला कोन अच्छा मते को प्रॉफिट रो रेशियो केते आसीबो 0:0 कैंसिल कले एठी वर्तमान देखो 3 रे कैंसिल कलिए 5 दबो याको 2 रे कैंसिल कलिए 9 दबो दैट मींस प्रॉफिट रो रेशियो 9/5 आसेला। क्वेश्चन दे छी कोन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इफ द टोटल प्रॉफिट डियर्ड इज केते दे छी मते ना सर 1680 टोटल प्रॉफिट इट केते आछ ना सर 14 यूनिट रा वैल्यू केते ना सर 1680 तो 1 यूनिट रा वैल्यू केते हो 14 1 0 14 2 0 0। क्वेश्चन मते पचर छी ए रा प्रॉफिट केते। अच्छा मते को ए रा प्रॉफिट केते थला मो पकर ना सर 9 यूनिट तो 9 रा वैल्यू केते जो ना सर 120 × 9 दैट मींस 1080 टका। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। पूरा क्लियर हो छी क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को बढ़वा हबे देखो क्वेश्चन नंबर 8 द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट इन द क्लास इज 45 24 जना स्टूडेंट कर एवरेज केते थिला मते कोना सर 45 केजी थिला। देन देला कोना इफ टू स्टूडेंट वेट x केजी एंड कोन दिजे x + 12 दीटा स्टूडेंट जो मान कर वेट केते अछि x आउ जन कर केते अछि ना सर x + 12 जॉइन द क्लास एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 0.4 0.5 बढ़ी गला दीटा स्टूडेंट जत नुआ जॉइन हेले तो टोटल स्टूडेंट केते गले 26 0.5 बढ़ी जे माने एवरेज रे केते बढ़ी जिको सम रे ना सर 13 बढ़ी जे दैट मींस नुआ स्टूडेंट ये 45 केजी दीटा कोन करथु ना सर मेंटेन करथु ता सहित ये 13 केजी भी मेंटेन करिवे एक्स्ट्रा देबे जोथि पई कि मोर ये 0.5 इंक्रीज हिजे त माने टोटल वैल्यू केते जो 90 + 13 दैट मींस सर 103 तो मते को 2x रो वैल्यू केते आसो मो पखरे ना सर 91 तो x रो वैल्यू केते आसो ना सर 45.5 गोटे देन 12 वर्ष अधिक थला दैट मींस सर 57.5 गोटे तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन को जीवा हबे देखो 9 नंबर क्वेश्चन ए 450 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन कौन दीजिए 60% ऑफ मिल्क दैट मींस मिल्क मो पाखरे केते अछि कोन सर 3 यूनिट रो तो वाटर केते रहबो कोन सर 2 यूनिट रो टोटल थेला केते 60% मिल्क रो कंसंट्रेशन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड। अच्छा वर्तमान हमें मिल्क को ऐड करबा केते ऐड करबा जोथि पेंगे कंसंट्रेशन वाटर केते जीवो को ना सर 36% रो फ्रैक्शनल वैल्यू केते आसीबो को ना सर 9/25 त माने 9 जदि मो पाखरे वाटर हबो तो मिल्क मो पाखरे केते आसीबो को ना सर 16 यूनिट रो आसीबो। देखो मिल्क मिसू जे तो वाटर रे फरक आसीबोनी तो याको 9 रे मल्टीप्लाई कर दियो याको 2 रे मल्टीप्लाई कर दियो तो ये वैल्यू मो पाखरे आसला केते नुआ वैल्यू 27 एठी मो पाखरे केते आसला कोना सर 18 एठी मो पाखरे केते आसो ना सर 32 एठी मो पाखरे केते आसो ना सर 18 इनिशियली मो पाखरे 45 रो वैल्यू केते थिला को ना सर 450 तो 1 रो वैल्यू केते हिजो को ना सर 45 रो वैल्यू 450 तो 1 रो वैल्यू 10 एठी मते पचर छी 5 रो वैल्यू केते हो को ना सर 50 ml दैट मींस 50 ml रो कोन करबी मु ना सर मिल्क ऐड करबी जोथि बैंक के कंसंट्रेशन मोर 36% हो। क्लियर पूरा जीवा। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्वेश्चन नंबर 10 दला ए बैग कंटेन
20 paisa, 50 paisa and 1 rupees coin, if the ratio of the number of 20 paisa, 50 paisa and 1 rupees coin is 10:2:1. Acha mate ko 20 paisa wala je 10 ta unit achi to total tonka keta rahibo 2 tonka. 50 paisa wala jodi 2 unit achi ta mane tonka ta rahibo aur tonki ke jodi 1 unit achi ta mane tonka ta rahibo to total tonka mo pakhar unit re kete achi 2 1 3 1 4. क्वेश्चन ने केते मते देई थला कोन सर क्वेश्चन ने 560 देई छी तो 4 रो वैल्यू 560 देई छी तो 1 रो वैल्यू केते आसबो कोन सर 140 मते क्वेश्चन ने पचर छी फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 रुपीस कॉइन इन द बैग दैट मींस 20 रुपीस कॉइन मोबर केते थला ना सर 2 यूनिट रो दैट मींस 280 टका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर क्लियर ताजर 10 टा क्वेश्चन सॉल्व हे सल्ला निजे भी बसी के क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करबो ठीक अछि आगो जो एग्जाम हमर अछि 13 तारीख हो 14 तारीख मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब क्वेश्चन तुम पई रहिबा ये टाइप रो ही क्वेश्चन देखिया पई मिलो ठीक अछि तो प्रत्येक दिन एई भली वीडियो तुम मन पई आसी चल दिबो ताको देखो एवं शेयर करो ठीक अछि थैंक यू सो मच.